नेटवर्क। शर्तें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के हम लोग रिकमेंडेशन ले रहे हैं कि डॉक्टर लिख के दे हमारे पास आके आप सिलेंडर लेके जाइए। और दूसरी चीज़ हम लोग चार्जेस कोई कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 24 आवर्स के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनको भी अगर सैचुरेशन लेवल कम डाउन होता है तो आइए और ऑक्सीजन लेके जाइए, अपना सैचुरेशन लेवल मेंटेन रखिए घर पर। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिन से देखा कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है एडमिशन के लिए हॉस्पिटल्स में। तो हम लोग ने सोचा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग, ताकि लोगों को सैचुरेशन जो लेवल है उनका वो मेंटेन रहे। नहीं तो क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग ने स्टार्ट किया है। और अगर किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से एक लिखा के ले ले, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन। इसको ऑपरेट कैसा करना रहता है, सब ट्रेनिंग कैसे? हम लोग सारी चीज़ आपको करके देते हैं, आपको सिर्फ घर पर जाना है, मास्क लगाना है और पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। कितने घंटे तक ये काम करते हैं? ये तकरीबन 6 से 7 घंटा काम करता है, और जो बड़ा वाला जंबो सिलेंडर है वो तकरीबन 10 से 12 घंटा काम करता है। जी नहीं, हमने ऑल ओवर मुंबई में काम कर रहे हैं हम लोग। जहाँ से भी हमको कॉल जा रहे हैं, बांद्रा हो, सांता क्रूज हो, मुंबई में कहीं किसी भी कोने से, हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के लिए किसी को जरूरत पड़े तो आपसे कैसे संपर्क करेगा, क्या सुविधा है? हमने काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया है, और अपना मोबाइल नंबर दिया, मतलब स्प्रेड किया उसमें, और मोबाइल नंबर अपना मेंशन किया उसमें हमारे नाम के साथ में। अगर आपको ज़रूरत है तो उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करिए, 9892012132 शानवाज शेख, और नंबर मेरा ही है। आपको किसी को भी ज़रूरत हो एनी टाइम ऑक्सीजन की तो हमको कॉल करिए, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। एक्चुअली एक कुछ दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार के साथ में हादसा हुआ था, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उनको सांस की शिकायत थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं थे। वो कई हॉस्पिटल्स में मुमरा में भटकते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, आखिर में कालसिकर हॉस्पिटल के यहाँ पे उनका 2 से 3 घंटे तक के वो रिक्वेस्ट करते रहे उनके हस्बैंड, और गिड़गिड़ाते रहे, पर उनको एडमिशन नहीं मिला। और आखिर में उन्हीं ने अस्पताल के गेट पे ही अपनी जान दे दी, दम तोड़ दिया। जब से हमको वो हादसे का मतलब एक एहसास हुआ कि भाई आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर कहीं से हम इस चीज़ का इंतजाम कर लेते हैं तो ना जाने हम कितने लोगों की इंशाल्लाह जान बचा पाएंगे। ज़िंदगी और मौत वैसे तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जिसको अगर ज़रूरत हो, आदमी परेशान होने तड़पने से बच जाएगा, यहाँ पे घर वालों को भी और मरीज़ को भी इससे राहत मिलेगी। मैंने अपने दोस्त शानवाज शेख को बताया कि भाई ये चीज़ इस तरह से है, शुरुआत में भाई ने और हमने मिलकर मतलब कोशिश की कि भाई जितना हो सके 20 सिलेंडर्स का इंतज़ाम हुआ। फिर उसके बाद में हमको डिमांड्स बढ़ने लगी बहुत सारी, आखिर में फिर शानवाज भाई ने अपनी गाड़ी भेज दी और मतलब 30 जंबो सिलेंडर्स का और इंतज़ाम किया। हमारी बस यही कोशिश है कि अगर थोड़ा सा इस तरह से मतलब लोगों तक ये मदद पहुँच जाए तो शायद से मतलब कई लोगों की जान बच जाएगी और लोग हराज होने से बच जाएंगे। अब तक कितने लोगों तक सिलेंडर? अब तक के तकरीबन 300 लोगों से ज़्यादा तक के ये सिलेंडर्स के सर्विस हम लोग पहुँचा चुके हैं। कई लोग आके यहाँ पे खुद लेके जा चुके हैं, जहाँ पे लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे हमने अपने वॉलंटियर्स भेज दिए, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया, कैसे कनेक्शन करना सब करके दे दिया और मतलब आगे रेटिंग बस वहाँ।